कोचिंग का टाइम हो जाएगा 5 o'clock, ये अपनी क्लास में जाएंगे। मैं अनन्या शनाया को ले जाता हूँ। टूट गई है रनिंग वे इनकी धूप के अंदर। ओह छा गई। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आ गई है हमारी टीम स्कूल से। हाँ भाई, कैसा रहा स्कूल? बहुत अच्छा। नाइस, मजा किया? Yes. अच्छा, और ये भी आ गई है पसीना पसीना होके। कैसा रहा तुम्हारा पिकअप? मम्मा बड़ा मुश्किल है स्कूल जाना यार, मेरे को तो याद ही नहीं मैं भी कभी स्कूल गई थी। वेरी डिफिकल्ट। हां डिफिकल्ट गाइस। सुबह से अपना बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैडम बैठ के आराम हो रहा है। कल से रमणीक जाएंगे लेने, पता चलेगा बाहर की। लेने की बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं लेने की बात कर ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ आराम से, स्कूल खुल गए, ऐसे हो रही है ऐसे। मम्मा ना चली गई जल्दी, उनको लगा था जल्दी पिकअप कर लेती, लेकिन फिर वो गेट ही नहीं खुला हुआ था। उनका गेट खुलना था 1:10-1:15 पे। अच्छा। मम्मा इतनी जल्दी चली गई तो फिर उन्हें वापस घर आना पड़ा, फिर वो वापस आई। ओ तेरी की। तो गाइस यार लंच की तैयारी चल रही है और लंच में हमारा मेन्यू है ये क्या है, पनीर की भुर्जी और ये कुछ भी है छोले, ये नींबू पानी किसका पड़ा है? नींबू पानी कौन पीरा? नींबू पानी पियो अपना। गाइस गर्मी इतनी है, आप भी जब भी स्कूल से आते हो तो नींबू पानी जरूर पिया करो। और क्या प्लान है भैया आज का? फटाफट लंच करो, नहाओ धो, होमवर्क करने बैठो। मेरे होमवर्क है नहीं। स्पोर्ट्स क्लास है, वहां जाएंगे। यस 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 गाइस, हमने अब बच्चों को बास्केटबॉल शुरू करा रहे हैं। ये आ गया मेरा बास्केटबॉल प्लेयर। अभी इनकी कोचिंग का टाइम हो जाएगा 5 o'clock, ये अपनी क्लास में जाएंगे। तो आज 4 o'clock छोड़ दिया था। हम 4 o'clock चले गए थे जबकि हमें पता नहीं था क्लास 5 o'clock है। ओके तो गाइस हमारा प्लेयर लगा हुआ है, इनकी बास्केटबॉल की ट्रेनिंग है। आज हम इनको आपके साथ जाएंगे इनकी क्लास के अंदर, आपको भी लेके जाएंगे। जल्दी से लंच कर लो गाइस, चेंज एंड लेट्स हैव सम फन टुडे। तो गाइस अब टाइम हो चुका है तैयार होने का, जाने के लिए, और इनकी पढ़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही है। ओ भागो भागो, देखो इसको पता चल गया अब हमने जाना है बॉल उठा के, शुरू तैयार होना। अरे पढ़ाई खत्म तो कर ले जो कर रहा है। ओ भाई साहब, गाइस यार बहुत शौक है इनको। तो हो गई इनकी पढ़ाइयाँ, अभी जा सकते हैं। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है। ओहो फिर तो तू ऐसा कर श्याम, तू रहने दे, आज मैं अनन्या शनाया को ले जाता हूँ। तो तू रहने दे, तेरा ज्यादा बचा। ओए भाई लड़ने को आ जाते हैं ये। चलो एनीवेज खैर, बाकी की पढ़ाई तुम कर लो। हाँ बाकी की पढ़ाई तुम कर लो, सारा होमवर्क कंप्लीट करके रखना, हम लोग सब जा रहे हैं। ठीक है। तुम्हारे को टाइम है, कितनी देर रहता है तुम्हारा? कितनी क्लास रहती है मैम? कितनी देर रहती है इनकी? उत्तरी क्या बात कर रहा है? हाफ एन आवर, हमारी 5 बजे क्लास है, हमें जाना है। तो आज का पैकअप करवाओ। ठीक है वो तो ठीक ही बोलेंगे। हाँ भैया नान्या, या तो ऐसा करो तुम क्लास कंप्लीट कर लो, मैं सियान को ले जाता हूँ। ये देखो ये देखो इधर, वहां पे वो लड़ना शुरू। चलो पैकअप करो, चले फिर। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम लोग सब तैयार हो गए हैं, ऑल सेट। हाँ जी अनन्या, खाना पीना भी से शुरू, पहले थक तो लो। नहीं वाह, अभी हम खेलने जा रहे हैं, इनकी पार्टी अभी से शुरू है। गाइस यार हमने इनकी फीस डिपॉजिट करा दी है और अब हम जा रहे हैं उनसे कोर्ट पे मिलने। जस्ट देन गाइस ये इनका रनिंग का सिस्टम चल रहा है, वो देखो हमारा भाई भाग रहा है, वो रही हमारी डॉल। सियान कोर्ट के बाहर से, और ये रही हमारी एक आ रही है, टूट गई है रनिंग वे इनकी धूप के अंदर।
आओ ताली 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 ओ तेरी ओ मैडम रन प्लीज मैम यू नीड टू रन ओके भागते रहो रुकना नहीं है भागो 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 A few moments later. ओ भाई साहब अभी तुमने अभी कोचिंग स्टार्ट हुई है तुम्हारी और अभी वाटर ब्रेक भी हो गई अच्छा अच्छा चलो पी लो मजा आ रहा है इतनी धूप के अंदर गाइस ये देखो पूरा सन और पूरी गर्मी में भाइयों लगे हुए हैं ये फुल चलो अभी दिखाएगा अभी कोचिंग स्टार्ट करने दे सियान अभी नहीं जा सकते अभी रुक जा सबको आने दे रुको जरा सबर करो नॉट बैड गुड ट्राई चल दोबारा ट्राई कर ओए ओए गुड ट्राई ओए चलो बाद में चल स्टार्ट कर रहे हैं कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट देन ट्रेनिंग चल रही है इनकी और ये हमारे बॉस सब बच्चे लगे हुए हैं पूरी मेहनत करने में गाइज यार बहुत ज़रूरी है 2 साल से बच्चे घर बैठे हैं आउटडोर एक्टिविटी हुई ही नहीं है आप भी यार जो दिल कर रहा है ना वो खेलो आउटडोर बहुत ज़रूरी है यार मतलब मैं शुरू से ही स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और सारी गेम्स खेलता था तो मेरे को इतना मज़ा आता था इसीलिए मैंने बच्चों को बोला मैंने कहा यार अभी इस टाइम पे माहौल सारा ठीक है तो यार आउटडोर जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा है सो एवरीबडी शुड डू इट यार सबको करना चाहिए बहुत मजा आता है आउटडोर्स में A few moments later. चलो गो नान्या ओहो छा गई आ रहा है भैया आ रहा है तो गाइस यार फाइनली इनकी बास्केटबॉल की क्लास खत्म हो गई है तो कितना मजा आया गाइस ओके एक्साइटेड है बच्चे यार चलो चलो अभी अगले पड़ाव पे चलते हैं आ जाओ लेटर दैट सेम इवनिंग तो गाइस यार फाइनली घर पहुंच गए हैं जूते इन्होंने बाहर उतार दिए अपने तो कैसा रहा तुम्हारा नाइस मजा आया yes. थक के टूट गए हैं और तू थकी है या फ्रेश है मुझे बहुत थका लग रहा है गाइस ओ भैया तेरी बास्केटबॉल नहीं खत्म हो रही आ जा नहीं भैया इसको शौक पड़ चुका है करके दिखा दे ओ देख हाँ करो ट्रिक्स भी सीख रहा है भाई क्या बढ़िया था गुरु तो गाइस यार बहुत मजा आया आप लोग भी जरूर कोई ना कोई गेम शुरू करो खेलना आउटडोर का यही टाइम है तो थैंक यू सो मच यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को हिट लाइक कर देना थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए पापी गुड़िया सीजन 3 का पार्ट 3 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 1313 पे वापस आ गए हैं नई स्टोरी के साथ वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 बहुत अच्छी वीडियो है क्लिक 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 क्लिक